सबसे पहले मैं शहीद के परिवार जनों के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल टॉप को कैप्चर करने का आदेश मिला था। सुबह का वक्त था, एक दूसरे का साथ रस्सियों के सहारे हम ऊपर की तरफ चल रहे थे, तभी दुश्मन ने दोनों तरफ से फायरिंग खोल दिया। केवल 7 जवान ऊपर चढ़ पाए, बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन के 2 बंकर 7 जवानों ने जाकर के अंधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया और धीरे धीरे करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए। 3 बार गोलियां मारी और तीसरी बार जब गोली मारी तो उसने सीने पर भी गोली चला दी। यहाँ पर भी पर्स रखा था, पर्स में भी 5-5 रुपए के कुछ सिक्के पड़े हुए थे। जब गोली लग जी तो जाकर के सिक्कों पे लगी। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके ऊपर फेंक दिया तो कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर ग्रेनेड गिरा। जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया और यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और हमारे ऊपर आकर के गिर गया। एक हाथ से राइफल उठाया, वहाँ से फायरिंग किया, इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से जब फायरिंग किया तो उनको लगा कि हाँ नीचे से रीइन्फोर्समेंट आ गई है और वहां से वो भाग खड़े हुए। मैं युवा पीढ़ी से मैं भी यही अपील करता हूं कि सब कुछ बनने से पहले एक सच्चा हिंदुस्तानी बन जाना। जय हिंद, जय भारत।